अगर ऐसा कुछ भी नहीं है आपके मोबाइल में या टीवी में, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। और देखो और देखो और मजा आएगा, तो लाइफ भी वैसे 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 ही चलती रहेगी। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपका भी ये प्रॉब्लम है कि मैं अपने आप को चेंज कैसे करूँ? मुझे रियलाइज़ है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, पर मैं चेंज करूँ कैसे? आपको ये पता करना होगा कि जो आपकी जो ओल्ड हैबिट्स हैं, जो आपकी हैबिट्स हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है, उन्हें आपको लिस्ट आउट करना होगा कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे आपका टाइम वेस्ट होता है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं दिख नहीं पाती है, आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो पहले वो आपको चीज़ें लिस्ट आउट करनी है, कौन कौन सी चीज़ों से आपका दिन वेस्ट होता है, आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक है? उसके बाद हम उन ओल्ड हैबिट्स को न्यू हैबिट्स के साथ रिप्लेस करेंगे, क्योंकि अगर उन्हीं को आप कंटिन्यू करेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ग्रो नहीं करेंगे। आपको ओल्ड हैबिट्स को न्यू हैबिट्स में कन्वर्ट करना होगा, आपको उनको रिप्लेस करना होगा, आपको पता लगाना होगा कि ये है, इसको ख़त्म करने के लिए मैं ऐसा नया क्या कर सकता हूँ, और उस जगह पे आपको वो काम करना होगा। अपने आप को ग्रो करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी पुरानी आदतों को छोड़िए और नई आदतों की हैबिट डालिए। नई आदत क्या हो सकती है? मॉर्निंग रिचुअल्स बनाना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करनी, कोई अच्छी सेल्फ हेल्प बुक रीड करनी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, टीवी देखना, न्यूज़ देखना, सीरियल्स में टाइम वेस्ट करना, नेटफ्लिक्स देखना। मैं ये नहीं कह रही आप बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए, नहीं, दिन में एक घंटा एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है आप पूरे पूरे दिन टीवी के सामने बैठे हैं, पूरे पूरे दिन आप फ़ोन लेके बैठे हैं, बट फ़ोन में आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं सुन रहे हैं, आप उसमें कोई बुक रीड नहीं कर रहे हैं, आप कोई बुक सुन नहीं रहे हैं, आप उसमें कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देख रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको किसी भी तरीके से इंस्पायर या इन्फ्लुएंस कर रहा हो, वो आपको किसी भी तरीके से मोटिवेट कर रहा हो, वो आपको किसी भी तरीके से आपका डिसिप्लिन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है आपके मोबाइल में या टीवी में, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। न्यूज़ देखना कोई सेंस नहीं है, क्या आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं? क्या आप किसी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? सिर्फ आप एक इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में गैदर करते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उस गैदरिंग का क्या हो रहा है? आपके दिमाग पे गलत असर पड़ रहा है, वो कोई अच्छी हैबिट है ही नहीं। न्यूज़ मत देखिए, क्या करना है आपको न्यूज़ देख के? क्या आपको IAS IPS कोई एग्ज़ाम फाइट करना है? क्या आपको जनरल नॉलेज चाहिए? क्यों चाहिए? क्या उसको करने से आपको मिलेगा क्या? कोई भी ऐसी बुरी चीज़ अगर आपके दिमाग में जा रही है, तो पहले एनालाइज कीजिए कि उसको देखने या करने से मुझे मिलेगा क्या, कोई आउटपुट है उस चीज़ का? कोई अगर प्रॉपर आउटपुट नहीं है, या फिर आपको वही न्यूज़ आप तीसरे को जाके बोलने वाले हैं, आज पता है ये हुआ, आज वो हुआ, आज वहाँ बम ब्लास्ट हो गया, आज कोरोना इतना फैल गया, उससे होगा क्या? नेगेटिविटी फैलेगी, अगलों के मन में और डर फैलेगा, तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे। तो न्यूज़ देखना मेरे लिए एक बैड हैबिट है। ओवर टाइम पास करना, एक बार स्क्रॉल करना शुरू हुआ तो बस वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो आपका फेसबुक है, चाहे वो आप कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप नेटफ्लिक्स में लग गए हैं, चाहे आप हॉटस्टार देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, बट आपका एक बार स्क्रॉलिंग शुरू हो तो बस ख़त्म ही नहीं हो रहा, आप और डीप 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 जाए जा रहे हैं, क्योंकि वो ये ऐसी चीज़ें जो आपको अट्रैक्ट करती है कि और देखो और देखो और देखो और मज़ा आएगा, बट आप बैठेंगे और उठेंगे तब तक 3-4 घंटे बीत चुके होंगे। 3-4 घंटों पे आप कितना सारा अच्छा काम कर सकते थे। ये बैड हैबिट है, इसे आपको कन्वर्ट करना होगा कि अगर मैं फ़ोन भी देख रहा हूँ तो उसमें कुछ ऐसा देखूँ जो मेरी पर्सनैलिटी को ग्रो करे, ना कि उसको कहीं ख़राब कर दे। कुछ ऐसा देख के इतना सारा टाइम वेस्ट करके, वो टाइम आप अपनी फैमिली को दे सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, गेम्स खेलना वगैरह, बड़े लोग भी इतने गेम्स खेलते हैं। आप बैठ के किसी से बात कीजिए, आपके पास में कोई बैठा है, आपका उस पर ध्यान ही नहीं है, आप अपने गेम्स में लगे हुए हैं, कैंडी क्रश खेल रहे हैं, यार वो आपको कहाँ लेके जा रहा है? कैंडी, आप कोई भी काम करें तो ये सोचें कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ
ये मुझे कैसे हेल्प कर रहा है, ये मेरी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रो कर रहा है। अब आप सोचेंगे यार इतना सोचेंगे तो लाइफ ख़राब हो जाएगी, इतना थोड़ी ना कोई करता है, लाइफ कब जिएंगे। अपने आप को बेटर करना ही तो लाइफ जीना है। कोई भी टाइम पास करना जिसमें ना आप खुद को हेल्प कर रहे हैं, ना आप दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, ना इस नेशन को किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, ना इवन अपने घर में कोई हेल्प कर रहे हैं, ना अपनी कंपनी में किसी तरीके से इसको करने से कोई हेल्प हो रही है, तो वो आपको कैसे लगता है कि वो आपकी लाइफ बना रहा है। वो तो आपकी लाइफ वेस्ट कर रहा है, लाइफ बन का रही है। यू आर वेस्टिंग योर लाइफ कुछ भी ऐसा टाइम पास करने से। आई एम नॉट सेइंग कि आप दिन में ऐसा बिल्कुल ना करें, आप एक घंटा दीजिए ना अपना एंटरटेनमेंट को, बट वाई होल डे, क्यों पूरा दिन बर्बाद करना है। प्लान्स बनाइए कि आपको ऐसे क्या क्या काम है जो ज़रूरी हैं, पहले उन्हें निपटाइए, ना कि उठते फ़ोन लिया, न्यूज़ देखी, फॉरवर्डेड मैसेजेस आए हुए हैं, ओ ये हो रहा है फॉरवर्ड कर दो। खुद के दिमाग में तो आप कचरा भर ही रहे, दूसरों को और फॉरवर्ड कर रहे हैं। जो चीज़ कोई ऑथेंटिकेट है ही नहीं, या नेगेटिव है, या फिर डरा दे, तो वो भेजें ही ना, ना मत भेजें। इंसान, अगला इंसान कोरोना बोल बोल के इतना अगले को डरा देता है कि वो सहम जाता है। शुरुआत में कितने सारी ऐसी डेथ्स हुई हैं, वो सहम सहम के ही वो लोग ख़त्म हो गए हैं। तो ऐसा कोई काम क्यों करना है जिससे कोई डर जाएगा, या आप खुद को भी डरा रहे हैं, रोज़ डरा रहे हैं आप खुद को, न्यूज़ देख के पढ़ के सुन के आप रोज़ खुद को डरा रहे हैं, और अपने दिमाग में ऐसे ऐसे चीज़ों को डाल के ऐसी बहुत सारी बीमारियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, आपका जहाँ फोकस है ना, वही चीज़ आपके पास आएगी। तो अपना फोकस को शिफ्ट कीजिए, किसी अच्छे काम में लगाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ओल्ड हैबिट्स को पहचानने की कोशिश कीजिए और गुड हैबिट्स में उनको रिप्लेस कीजिए, तभी अपने आप को ग्रो कर पाएंगे और तभी आप एक्चुअल में लाइफ जी पाएंगे। लाइफ को वेस्ट करके नहीं जिया जाता है, लाइफ को अपने आप को खुद को ग्रो करके लाइफ को जिया जाता है। बहुत सारी फालतू की इन्फॉर्मेशन गैदर करके फिर चार लोगों के सामने वही चीज़ बोल के आप कोई 30 मार्का नहीं बन जाते। अपने में कुछ अच्छी हैबिट्स को डेवलप करें, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करें। अपनी पर्सनैलिटी को इन्हांस करने के लिए जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लीजिए, अपने आप को ग्रो कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, और फिर वही नॉलेज अपने उस काम में इम्प्लीमेंट कीजिए। तो देखिए आपकी ग्रोथ कैसे नहीं होती है। जहाँ है वहीं थोड़ी ना रहना है कि भगवान भरोसे धक्का लग ही जाएगा, प्रमोशन हो ही जाएगा, चल ही जाएगा। आप ग्रो कहाँ कर रहे हैं, फिर कहते कि अरे प्रमोशन ही नहीं करते, इंक्रीमेंट ही नहीं करते। तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि अगला आपका इंक्रीमेंट करे, आपका प्रमोशन करे। आप तो अपनी पर्सनैलिटी को किसी भी हिसाब से ग्रो नहीं कर रहे हैं। आप अपने अंदर कुछ भी ऐसा नहीं डाल रहे हैं कि आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको हेल्प हो। आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम पास मत कीजिए, टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। और आपने जो न्यू हैबिट्स बनाई हैं वो आप ट्रायल बेसिस पे ना शुरू करें, उन्हें आप रिप्लेस करें। आप उन्हें रोज़ ट्राई करें, एक दिन छूट जाएगा, दो दिन छूट जाएगा, तीन दिन छूट जाएगा, कुछ टाइम छूट जाएगा, पर उसे छोड़े नहीं। अगर आप वापस अपनी ओल्ड हैबिट में चले गए ना, तो आपने जो टाइम न्यू हैबिट्स के लिए लगाया था वो आपने टाइम वेस्ट कर दिया। तो उस टाइम को आप वेस्ट ना होने दें। अपनी न्यू हैबिट्स को एवरी डे ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही तो होगा ये चीज़ें। ये कोड्स हमने बचपन में कितने पढ़े पर समझ में नहीं आते थे, अब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आते हैं कि इनका क्या मतलब है। कोई लोग सोचते हैं कि यार टाइम वेस्ट नहीं करना है मेरे को ये सब करके, ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। आप अपनी न्यू हैबिट्स को डेली प्रैक्टिस करें, तभी आपके पुराने माइंड को रिप्रोग्राम कर पाएगी। नहीं तो पुराना माइंड तो आपको वही 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 चीज़ें बार बार बोलता रहेगा और वही 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 कराता रहेगा, तो लाइफ भी वैसे 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 ही चलती रहेगी। चेंज कब होगी, कब चेंज लाओगे? अगर कुछ नया करोगे ही नहीं तो लाइफ में चेंज आएगा कहाँ? आप सोचते हो अरे कुछ नया हो ही नहीं रहा, कुछ भी अलग नहीं हो रहा, कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा। तो आपने उस डिफरेंट बनाने के लिए आपने किया क्या है? आप अपनी उसी ओल्ड हैबिट में पड़े हैं, उसी ओल्ड तरीके से जी रहे हैं,
कुछ भी नया नहीं कर रहे तो फिर लाइफ कैसे चेंज होगी? लाइफ भी तो वही रहेगी ना जो आप कर रहे हैं। आपके जो रिज़ल्ट आपको मिल रहे हैं वो आप जो कर रहे हैं उसी का ही तो रिज़ल्ट है, तो नया रिज़ल्ट कैसे हो सकता है? ओल्ड हैबिट्स के साथ तो कभी नया रिज़ल्ट नहीं हो सकता। ओल्ड हैबिट को न्यू में रिप्लेस करके, रिप्लेस को रोज़ ट्राई करके, प्रैक्टिस करके, अपने अंदर पूरा उतार के, अपने आप को नया इंसान बना के, डिफरेंट करके, तभी तो रिज़ल्ट नए होंगे ना। ओल्ड हैबिट के साथ तो कभी नए रिज़ल्ट नहीं हो सकते। ओल्ड के साथ ओल्ड रिज़ल्ट मिलते रहेंगे, नई हैबिट्स के साथ नए रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ट्राई ज़रूर करें, लाइफ चेंज हो जाएगी। अपने आप को ग्रो करना तो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। अपनी पर्सनैलिटी को इन्हांस करना कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं, प्लीज़ एक बार सोच के देखिए, क्या सच में अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को ग्रो करना एक टाइम वेस्ट है? अगर आपको लगता है टाइम वेस्ट है तो आपको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस, बहुत सारे ऐसे चीज़ें सुनने की, देखने की, पढ़ने की ज़रूरत है जिससे आपको पता चलेगा कि लाइफ के असली मायने क्या हैं, लाइफ जीने का असली तरीका क्या है। टाइम पास नहीं करना है, टाइम इम्प्लीमेंट करना है, टाइम को यूटिलाइज़ करना है। ये टाइम जाता जा रहा है, ये वापस नहीं आएगा, तो इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करें और अपने ओल्ड हैबिट्स को जानने की कोशिश कीजिए और उनको गुड हैबिट्स में रिप्लेस कीजिए। बहुत सारे अच्छे काम हो सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय।